हर हर महादेव, ओम काली। तो प्रिय भगत जनों, आज हम आपको अक्षेत्रपाल के भोग के बारे में बताएंगे कि अक्षेत्रपाल को कैसे प्रसन्न किया जाता है और अक्षेत्रपाल की शक्ति क्या है, उनको प्रसन्न करने से आपको क्या लाभ होते हैं और उन्हें आप किस किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अक्षेत्रपाल होते हैं। यह अक्षेत्रपाल की व्यवस्था भगवान शिव द्वारा स्थापित की गई है। प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक नगर के एक अक्षेत्रपाल नियुक्त किए गए थे, जिससे कि वो बाहरी शक्तियों से और प्राकृतिक विपदाओं से उस नगर, उस ग्राम की रक्षा करें। तो इन्हें ग्राम देवता भी कहा जाता है, नगर खेड़ा भी कहा जाता है, दादा खेड़ा भी कई जगह कहते हैं, दादा भैया भी कहते हैं, अक्षेत्रपाल भी कहते हैं और ग्राम देवता, स्थान देवता भी कहा जाता है कई स्थानों पर, और अधिकतर स्थानों पर इन्हें भूमिया बाबा या भूमिया देवता भी कहा जाता है। तो इसमें स्थान के हिसाब से अलग अलग शक्तियां हो सकती हैं। कोई वीर हो सकता है, कोई पीर हो सकता है, नरसिंह देव की शक्ति हो सकती है, भैरव देवता की शक्ति हो सकती है, अक्षेत्रीय भैरव हो सकते हैं। तो ये जो भी हो सकते हैं, वह एक पुरुष शक्ति होते हैं, एक मर्द शक्ति होते हैं, जो कि आपकी गांव की, ग्राम की रक्षा करते हैं। तो तंत्र के मार्ग में जो भी चलता है, कोई भगत है, कोई साधक है, कोई गुनिया है, कोई सोखा है, या आप स्वयं कोई तंत्र कर रहे हैं, किसी के तंत्र कर रहे हैं या काट रहे हैं, तो दोनों ही स्थितियों में आपको ग्राम देवता की जो परमिशन लेनी पड़ती है, अक्षेत्रपाल को आपको मनाना पड़ता है। भले ही आप कोई तांत्रिक हो, आप किसी के घर में तंत्र कर रहे हो, या फिर आप कोई भगत हो, किसी का तंत्र काट रहे हो, उसके घर से बुरी शक्तियों को आप निकालना चाहते हो, तो दोनों ही स्थितियों में आपको अक्षेत्रपाल की प्रसन्नता के लिए कार्य करना पड़ेगा और पहले उन्हें तैयार करना पड़ेगा कि यह कार्य मैं कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आप या तो किसी शक्ति को भेजकर उनकी जो है नेगेटिव ऊर्जा को रिमूव करवाते हैं, उनके घर से भूत प्रेत जिन को निकालते हैं, तो आपको शक्ति भेजनी पड़ेगी वहाँ पे, ये तो पक्की बात है। तो जब आपकी शक्ति जाएगी तो अक्षेत्रपाल उसे रोक लेता है, क्योंकि अक्षेत्रपाल उस गांव का, उस नगर का राजा होता है। उसकी इजाज़त के बगैर कोई परिंदा भी उस सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। अक्षेत्रपाल को भगवान शिव का वरदान है, भगवान शिव की छाप है उनके पीछे, तो कोई भी शक्ति जबरदस्ती वहां घुस नहीं सकती है। इसके अलावा यदि आपको किसी के यहां तंत्र करना है, तब भी आपको बुरी शक्ति आप भेजोगे उसके घर पे, कोई प्रेत भेजोगे, कोई जिन भेजोगे, कोई जिनात भेजोगे, कोई बेताल भेजोगे, कोई वीर भेजोगे, कोई ओघड़ भेजोगे, कोई अघोरी भेजोगे, कुछ भी आप भेजो, तो उसमें भी आपको अक्षेत्रपाल को प्रसन्न करना पड़ेगा, उनको अपने साथ मिलाना पड़ेगा। तो यह होती है अक्षेत्रपाल की शक्ति। अब मैं इसके भोग के बारे में आपको बता देता हूँ, जो इनको प्रिय भोग है, जो चढ़ाने के बाद ये प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक तो कच्ची लस्सी होती है, आप किसी लोटे में जल भरें, उसमें 2 चम्मच दूध मिलाइए, आप सफ़ेद उसका कलर हो जाए, और उसमें 4 दाने चीनी के डाल दीजिए, यह कच्ची लस्सी तैयार हो जाती है। कच्चा दूध बोल देते हैं इसको, कच्ची लस्सी बोल देते हैं। तो इसको तैयार कीजिए, यह भोग होता है। इसके बाद एक दिया होता है देसी घी का, जो अक्षेत्रपाल को लगाया जाता है, और 5 बतासे होते हैं। तो यह है इसका भोग होता है। सफ़ेद कपड़ा आपको चढ़ाना होता है। दिन इनका कई जगह रविवार को पूजा की जाती है, कई जगह सोमवार को पूजा की जाती है। यदि आपको अक्षेत्रपाल से काम लेना है, या फिर आपको अपने घर से कोई बुरी शक्ति को निकालना है, या फिर आपको जीवन में कोई समस्या है, आपकी नौकरी की प्रॉब्लम है, व्यापार की प्रॉब्लम है, या कोई बुरी शक्ति आपके काम धंधे को चौपट करके बैठ गई है, संतान की समस्या है, आपकी शादी नहीं हो रही है, जो भी घरेलू आपकी समस्या है, ग्रह क्लेश है, या फिर आपकी आमदनी का गिर जाना है, उसके लिए आप अक्षेत्रपाल की साधना कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत लाभ मिलता है। तो अक्षेत्रपाल की जो साधना है, वह 7 दिन की होती है। आपके यहाँ यदि रविवार से पूजा की जाती है, तो रविवार से शुरू करें। यदि आपके अक्षेत्र में सोमवार को पूजा की जाती है, तो आप सोमवार को करें।
तो उस दिन आपको करना क्या है, आपको सफ़ेद कपड़े उस दिन पहन लेने हैं और कच्ची लस्सी, एक दिया घी का, 5 बतासे और एक सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा आप लेकर जाएंगे और आपको 7 दिन तक लगातार यह प्रयोग करना है। आपको अक्षेत्रपाल के स्थान पर जाना है, कच्ची लस्सी से उनको नहला देना है, आपको उनको अच्छे से नहला दीजिए कच्ची लस्सी से, फिर आप घी का दीपक जलाइए और 5 जो बतासे हैं इनका आप भोग लगा दीजिए और वह सफ़ेद कपड़ा जो है वह आप चढ़ा दीजिए वहाँ पर और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे अक्षेत्रपाल, हे नगरखेड़े, हे ग्राम देवता, हे भूमिया बाबा, जो भी आपके अक्षेत्र में बोला जाता है उस हिसाब से आप उनका नाम लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे फला कार्य के लिए मुझे आपकी सहायता की, आपके आशीर्वाद की, आपकी आज्ञा की ज़रूरत है, कृपया मेरा यह कार्य पूर्ण करें, मैं आपकी 7 दिन तक लगातार पूजा करूंगा। तो ये सफ़ेद कपड़ा जो है यह आपको केवल एक बार चढ़ाना है और बाकी जो 3 चीज़ें हैं, कच्ची लस्सी, दिया और बतासे, यह आपको प्रतिदिन भोग लगा देना है अपने अक्षेत्रपाल को, अपने दादा भैया को। और ये दादा गुरु होते हैं, ये बुजुर्ग होते हैं, सफ़ेद कपड़े ये पहनते हैं और ये पूरे गांव की रक्षा करते हैं, सफ़ेद इनकी लंबी दाढ़ी होती है और यह शक्तिशाली देव होते हैं, जो कि आपके अक्षेत्र में वही कार्य होता है उनका, जैसे एक थाना अक्षेत्र में, एक कोतवाली अक्षेत्र में एक थानेदार का होता है, एक कोतवाल का होता है। वह आपके गाँव में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी अच्छी या बुरी, कैसी भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती जब तक कि आप अक्षेत्रपाल की इजाज़त न ले लें। तो यह होती है अक्षेत्रपाल की ताकत। हमें आशा है कि इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा और आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य और संपन्नता को प्राप्त कर सकोगे। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।